भिलाई समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आयोजित सीपीएल का समापन रविवार को सेक्टर 1 भिलाई स्थित क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। समापन कार्यक्रम में आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर सीपीएल क्रिकेट का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले विभिन्न जिलों के नाम से 8 टीमें गठित की गई, जिसमें लगभग 4000 खिलाड़ियों ने ट्रायल मैच दिया। इन खिलाड़ियों में से लगभग 250 खिलाड़ियों का चयन सीपीएल चैंपियनशिप के लिए किया गया। बीती 27 फरवरी से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अबुझमाड़ टाइगर और फील्ड फाइटर बिलासपुर के मध्य रविवार को खेला गया। इस मैच का रोमांच उठाने खेल प्रेमी आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा शामिल हुए। वहीं अबुझमाड़ टाइगर और फील्ड फाइटर बिलासपुर के बीच के मुकाबले में अबुझमाड़ टाइगर बस्तर ने बाजी मारी, जिनको मुख्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथियों व कमेटी मेंबर द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। आज हमारे भिलाई में जो प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हो रहा है, आज हमारे इस खेल में फाइनल में बिलासपुर के और बस्तर के लोग अबुझमाड़ के नाम से जो खेल रहे हैं, बहुत ज़ोरदार खेल रहे हैं। दोनों टीम को बधाई देता हूँ, बस्तर वालों को बधाई पहले, उसके बाद बिलासपुर वालों को। कई खिलाड़ी पहली बार ड्यूज में खेल रहे हैं, बस्तर से आते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, कैसे करेंगे? बस्तर में कम सुविधा के बावजूद भी बढ़िया खेलते हैं, मेहनती लोग हैं। और अभी हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने के बाद हम लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं कि सुविधा अच्छा हो। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आने को जगह उसको चालू किए हैं। और उसके बावजूद भी बस्तर के लोग नांगर जोतने वाले हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। यूपी के परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? ये खेल वाला बात करूँ, एक ही ईपी का परिणाम तो पुराना हो गया है। आरईपी का परिणाम जो जनता का जनादेश है उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, और आने वाला समय में ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। खेल जी के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद खेलों की बहार आ गई। आप देख रहे होंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के लोग खेल रहे हैं, तो खेलों में क्रांति आई है। उसका एक मात्र कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति बहुत लगाव है। ओलंपिक संघ महासचिव होने के साथ आज दो टूर्नामेंट, एक स्टेट लेवल का बैडमिंटन का मैंने समापन किया रायपुर में, और आज हमारे कवासी लखमा जी उद्योग और आबकारी मंत्री जी विशेष अपनी टीम को सहयोग करने के लिए अपना बस्तर का दौरा स्थगित कर हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे। उनका ये लगाव जो है खेल के प्रति मैं बहुत उपयोगी मानता हूँ, और हमारे मंत्री जी और ऐसे लोगों को उत्साहित करते रहेंगे तो बस्तर जैसी जगह से अबुझमाड़ टाइगर जो है वो खेल रही है, भी बैटिंग कर रही है, बिलासपुर की टीम बैटिंग कर चुकी है। रोमांचक मैच है, लाइव मैच है, लोगों को मीडिया मोबाइल इससे बच्चों को दूर करके ऐसे आयोजन करने के लिए मैं प्रवीण भाई जो हमारे कांग्रेस के स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष हैं उनको विशेष रूप से बधाई दूंगा। बहुत कठिन परिस्थितियों में मैच कराया है, मैं जानता हूँ क्रिकेट संघ को, और उनको भी उसके सारा जोर लगाने के बावजूद उन्होंने स्थापित कर दिया, रायपुर भिलाई और बिलासपुर में मैच करके दिखा दिया वो बहुत अच्छा आयोजन कर सकते हैं, उनको बहुत बड़ी शुक्रिया। तो मैच हो रहे हैं, इस तरह के आयोजन और भी किस तरह होना चाहिए? देखिए, इस तरह के आयोजन लगातार होते रहेंगे तो हमारे प्रदेश के और हमारे शहरों से लोग बच्चे निकल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम अंकित करेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब भिलाई और यहाँ के खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप में और आप वनडे में और आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। ये एक लंबी प्रोसेस थी, छत्तीसगढ़ के 3200 जिलों में हम लोगों ने टैलेंट हंट का कार्यक्रम कराया। हर डिस्ट्रिक्ट पे करीब 150, 200, 300 ऐसे खिलाड़ी एकत्र हुए और उनके बीच में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनाई, डिस्ट्रिक्ट की टीमें संभाग स्तर पर खेली, संभाग की टीमें उनके 15 दिनों के लगातार कई कैंप लगाए गए, और उसके बाद में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में इनके परफॉर्मेंस को रजिस्टर्ड करने के बाद में हमने 250 खिलाड़ियों का लगभग 4000 खिलाड़ियों में से चयन किया, और इन 250 खिलाड़ियों का ऑक्शन कराने के बाद
बाद में छत्तीसगढ़ की 8 प्रमुख शहरों के नाम से बनाई गई टीमों में इन्हें शामिल किया और एक साथ प्रदेशव्यापी इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने इसे भिलाई के सेक्टर 1 स्टेडियम के अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, इसके अलावा बिलासपुर के रघुराजा स्टेडियम में भी हम लोगों ने मैचेस कराए। विभिन्न परिस्थितियों में खिलाड़ियों को खेलने के लिए हम लोगों ने तैयार किया, चाहे वो टर्फ पिच में हो, चाहे वो काली मिट्टी के पिच में हो, चाहे लाल मिट्टी के पिच में हो, दूधिया रोशनी में हो, चाहे वो तेज धूप में हो, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग माहौल में हमने अपने खिलाड़ियों को प्रोसेस किया है ताकि ये खिलाड़ी भविष्य में IPL जैसे जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं देश में और छत्तीसगढ़ की जो रणजी टीमें बनती है उसमें अमूमन देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया जाता है। आज 7 खिलाड़ी बाहर के छत्तीसगढ़ की टीमों में खेलते हैं, तो हमारे खिलाड़ियों में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत जज्बा है। इन खिलाड़ियों को यदि मौका मिलेगा हमारी रणजी टीम में तो निश्चित रूप से हमारी टीम जो आज 27वें नंबर पे आती है वो पहले दूसरे नंबर पे आना चालू हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि ये खिलाड़ी इनके लिए हम लगातार करें ताकि ये हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व कर सके। राज्य में प्रदेश स्तरीय यूज बॉल से टूर्नामेंट कराया T20 महासंग्राम CPL, ये छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन जी का मुख्य भूमिका रही और कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतें आई, ये पेंडिंग होते जा रहा था, उसके बावजूद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए इसको अंजाम देना पड़ा और बहुत शानदार तरीके से 27 फरवरी से ये कार्यक्रम चालू हुआ और पूरे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से भी जंगली क्षेत्रों से जैसे कि ग्रामीण अंचलों और जो बस्तर साइड के बच्चे हैं, समुदाय बच्चे, गांव से बच्चे को प्रतिभा खोजने की हमने कोशिश की है और हम कहीं कहीं सफल भी रहे हैं ताकि वो बच्चों को हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकें और इसी तहत में हमने उन बच्चों को इंटरनेशनल ग्राउंड में खेलने का भी मौका दिया था और बिलासपुर में भी। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का कुछ उतना अच्छा रुतबा नहीं रहा जितना अपन देश में बात करें, तो भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहेगी कि वो इंडिया क्रिकेट में वो शामिल हो सकेंगे? देखिए, ये जो आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि प्रतिभाओं को खोज निकालना ग्रामीण अंचल से, जो बाकी और भी संस्था में नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने उस प्रतिभा खोज के निकालने की कोशिश की और उनको प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं पे हम भी देंगे और हम उनसे भी चाहते हैं कि उनको खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उस जगह पे दे जहाँ की बड़े लेवल आईपीएल लेवल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी खेल सकते। मैं ख्वाजा अहमद, प्रदेश महामंत्री, दुर्ग संभाग प्रभारी। बहरहाल भव्यता से आयोजित CPL के समापन पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।